हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो ट्रिपल एम ओसीएल की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी एप्लीकेशन फी यहीं पे नहीं रखा गया है। इसमें आप लोगों को पैकेज 12 लाख पढ़ना मिल जाएगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्रोडक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन जो आप लोग देख पा रहे हो कि महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहीं पे असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर और सेक्शन इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए, जिसमें आप लोग का पे स्केल 56,100 से लेके 177,500 रहेगी। और उसके साथ साथ आप लोग का अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को 12 लाख पर इनाम मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 3 साल का डिप्लोमा या तो 4 साल का बीबीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वालों के लिए 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और बीबीटेक वालों के लिए मिनिमम 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 47 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें आप लोगों का पे स्केल S17 के हिसाब से यानी कि 47,600 से लेके 151,100 रहेगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को ग्रॉस सैलरी 85,556 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीबीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीबीटेक वालों के लिए 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और डिप्लोमा वालों के लिए 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम एज लिमिट यहीं पे 46 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है सेक्शन इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें आप लोग का पे स्केल 41,800 से लेके 132,300 रहेगी। और उसके साथ साथ आप लोग अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को ग्रॉस सैलरी 69,398 पर मंथ मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहीं पे सेम है, बट अगर आप लोग बीबीटेक किए हो तो उस केस में 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम एज लिमिट 44 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 4 साल का बीबीटेक या तो 3 साल का डिप्लोमा किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीबीटेक वालों के लिए 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और डिप्लोमा वालों के लिए 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम एज लिमिट 44 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है सीनियर सेक्शन इंजीनियर आईटी के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहीं पे सेम है। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग बीबीटेक किए हो तो उस केस में 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और डिप्लोमा वालों के लिए 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम एज लिमिट 43 ईयर्स तक रखा गया है। और लास्ट है सेक्शन इंजीनियर आईटी के लिए, जिसमें आप लोग को ग्रॉस सैलरी 69,398 पर मंथ मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहीं पे सेम है। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए अगर बीबीटेक किए हो तो उस केस में 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो उस केस में मिनिमम 4 ईयर्स के एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC PWD या तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और उसके साथ हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए मराठी लैंग्वेज पे नॉलेज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोग का मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है, जिसको अच्छे से फिल करना होगा। और फिल करने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका स्कैन कॉपीज आप लोग को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक सिंगल PDF बनानी पड़ेगी। और जिस PDF को आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी ईमेल आईडी यहीं पे मेंशन है आप लोग उसी ईमेल आईडी पे मेल सेंड करना होगा।
और मेल सेंड करने के लिए आप लोग को सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम, और ये मेंशन करने के बाद आप लोग को उस मेल को सेंड करना होगा। इसमें मेल सेंड करने के लिए लास्ट डेट आ गया 8 जून 2023। तो फ्रेंड्स ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन, इसमें आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया था। तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, जिसको आप लोग को अच्छे से फिल करने के बाद इसके साथ आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करके इसका जो भी ईमेल आईडी यहीं पे मेंशन है आप लोग को उसी ईमेल आईडी पे मेल सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन, आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया नोटिफिकेशन के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।